आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। चीनी के एक्सपोर्ट पर नकेल कसने के लिए सरकार एक्सपोर्ट की लिमिट तय कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इस सीजन में 1 करोड़ टन चीनी का एक्सपोर्ट लिमिट तय कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 6 सालों में ये पहला मौका होगा जब सरकार चीनी के निर्यात पर किसी प्रकार की बंदिशें लगाएगी। उपभोक्ता मंत्रालय के प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन के मुताबिक 23 मई को घरेलू बाजार में चीनी का औसतम मूल्य 41.58 रुपये प्रति किलो था। वहीं अधिकतम मूल्य 53 रुपये प्रति किलो, न्यूनतम मूल्य 35 रुपये प्रति किलो है। वहीं मोदी सरकार पहले ही गेहूँ और आटे की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर गेहूँ के निर्यात पर रोक लगा चुकी है। अब चीनी के दामों में घरेलू बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है तो सरकार चीनी के निर्यात पर बंदिशें लगाने पर विचार कर रही है, जिसकी घोषणा जल्द किए जाने की भी उम्मीद जताई गई। वहीं भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वहीं ब्राजील सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है। इसके बाद भारत का नंबर आता है। दरअसल अक्टूबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 के बीच भारत ने 71 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट किया है, जो कि 64% ज्यादा है। मई महीने में 8 से 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट किए जाने की संभावना है। वहीं 2021-22 में 90 लाख चीनी एक्सपोर्ट किए जाने के आसार हैं, जबकि इससे पहले वर्ष में करीब 72 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट किया गया था। चीनी के निर्यात पर अंकुश लगाने की खबरों के बीच चीनी उत्पादन करने वाली कंपनियों के शेयरों की जबरदस्त पिटाई भी देखने को मिल रही है। वहीं डालमिया भारत शुगर के शेयर में 6.99% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये थी बड़ी खबरें, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।